हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। मैं हूँ विजय कुजोर और आपका मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे वैकेंसी राउंड जो कि फोर्थ राउंड होने वाला है उसका शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, वैसे तो 27 डेट यहाँ पर सो रही है, बट साइट पर ये 27 को नहीं अपलोड हुआ था, ये अभी अपलोड हुआ है ना आजकल में। ठीक है, तो इससे वैकेंसी राउंड क्या होने वाला है, कैसे होगा, और दोस्तों ये राउंड बहुत अलग लेवल पर होने वाला है जो कि आप में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोगों को छोड़ो, मैंने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से इससे वैकेंसी राउंड होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे वैकेंसी राउंड को लेकर। दोस्तों ये इससे वैकेंसी राउंड है ना बहुत टफ होने वाला, पहली चीज़ तो ये है ना, बहुत अलग होने वाला, बहुत टफ होने वाला, बहुत रिस्की होने वाला है। इसमें बहुत सारे लोगों को तो कम नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, तो किसी न किसी को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर भी खाली बैठना पड़ सकता है, ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है ना इससे वैकेंसी राउंड में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आगे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, सो अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को इस वैकेंसी राउंड में पूरा 100% जो है मेरा साथ मिल सके, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप लोग इस वैकेंसी राउंड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सको और अच्छे से अच्छा कॉलेज ले सको। ठीक है, आप लोगों का जैसे कि अभी तक मैं काउंसलिंग में आप लोगों का साथ देते आ रहा हूँ, वैसे ही इस वैकेंसी राउंड में भी देने वाला हूँ। सो गाइस, सपोर्ट मेरा रहेगा पूरा, लेकिन आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए, वो ये है कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, सो देखिए, जो इस वैकेंसी राउंड होने वाला है वो स्टार्ट होगा 3 तारीख से। ठीक है, 3 तारीख से, 3 नवंबर से, यानी कि आज है 1st of November, 3 नवंबर यानी कि परसों से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ओके, और रजिस्ट्रेशन जो है 5 नवंबर तक चलेंगे, यानी कि 3 दिनों का टाइम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाएगा इस वैकेंसी राउंड के लिए। वहीं दोस्तों कल यानी कि 2 नवंबर को 3rd राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैं फिर दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन लोगों ने पहले बता दिया है, ताकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगा, जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाए 3rd राउंड में, जहाँ तक कोशिश करना कि आप 100% एडमिशन ले लो, इस वैकेंसी राउंड के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 3 से लेकर 5 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, वहीं आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 6 तारीख तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिक्त सीटों की स्थिति आएगी, मतलब कितनी सीट वैकेंसी बची है इस वैकेंसी राउंड के लिए, वो 7 तारीख को आप लोगों को पता चलेगी। ठीक है, 7 तारीख को इस वैकेंसी राउंड के लिए सीट चार्ट आएगा, कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप लोगों की 4 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट में कितने मतलब ओवरऑल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट के बाद में भी 8 तारीख को आप लोगों की जो है एक अलग से अलॉट मतलब मेरिट लिस्ट आने वाली, वो कैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको हो सकता है मतलब कॉलेज मिल गया पहले, लेकिन हो सकता है उन्हें इस बार जो है जो इस वैकेंसी राउंड होगा उसमें मौका नहीं दिया जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक वैसे तो रूल बुक में ये नहीं दिया गया था, बट हो सकता है क्योंकि अलग से मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, पात्रताधारी यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इस वैकेंसी राउंड के लिए, उनकी अलग से 8 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो उस मेरिट लिस्ट में जो जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो जो एलिजिबल है, उन्हीं कैंडिडेट का नाम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, यानी कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 9 और 10 का। ठीक है, आप लोग आपके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करोगे, आपके जो जो कॉलेजेस आपको मतलब सही लग रहे हैं, आप यहाँ पर तो कोई कॉलेज छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर ओवरऑल आपको मैक्सिमम कॉलेजेस चॉइस करने हैं। ठीक है, जो लोग बचेंगे इसके लिए, ठीक है, आप लोग चॉइस फिलिंग कर लोगे। इसके बाद में दोस्तों 7वां नंबर जो है बहुत खास है, महाविद्यालयवार मेरिट सूची का प्रकाशन। अच्छा, महाविद्यालयवार मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा आप लोगों के लिए। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों का हर कॉलेज वाइज, ठीक है, हर कॉलेज वाइज लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में क्या रहेगा, आप जैसे चॉइस फिलिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग मतलब जो टॉप स्टूडेंट रहेंगे, टॉप 10 या फिर मतलब ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, ऐसे टॉप 10 मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि जो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए टॉप 10 ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मानसरोवर के लिए जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग करी है, जिनकी फर्स्ट प्रिफ्रेंस है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मानसरोवर में कितने स्टूडेंट हैं, जिनकी फर्स्ट रैंक पर कौन आ रहा है, सेकेंड पर कौन आ रहा है, थर्ड पर कौन आ रहा है, फोर्थ पर कौन आ रहा है, इस तरीके से जो जो लोग चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है,
कि ये कॉलेज को इतने लोगों ने चॉइस किया है, श्री साई को इतने लोगों ने चॉइस किया है, आरडी को इतने लोगों ने चॉइस किया, एलन सिटी को इतने लोगों ने, मतलब एलन ठीक है, एलन को इतने लोगों ने चॉइस किया, शुभदीप को इतने उन्होंने चॉइस किया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की अलग अलग कॉलेजेस वाइज मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन से कॉलेज में हमारा, मतलब मान लीजिए किसी कॉलेज में 5 सीटें हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सीटों में आपका नाम उस सीट के अकॉर्डिंग मतलब टॉप 5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मान लीजिए किसी कॉलेज मानसरोवर, वहाँ पर 10 सीटें बची हुई है और आपका नाम मान लीजिए 12-13वें नंबर पर आ रहा है, तो वो भी थोड़ा चांस बनने वाला है, क्योंकि 12-13 नंबर पर आ रहा है यानी कि 10 सीटें हैं, 12-13 नंबर पर आपका नाम आ रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें से दूसरी कॉलेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चांस होने वाला है। इस तरीके से हर कॉलेज वाइज आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी, जो जो कॉलेजेस आप चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें आप आपका नाम चेक करना कि आपका नाम कौन से नंबर पर है। तो इसके बाद दोस्तों आप मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसका 14 तारीख को, ठीक है। 14 तारीख को क्या है, आप लोगों को आपके जो नाम दिए गए हैं कॉलेजेस वाइज, तो आपको अनुमान लगाना कि किस कॉलेज में मेरा चांस ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आपने मान लीजिए आपने श्रीशाई, मतलब आप श्रीशाई में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको कहाँ जाना है, 8 तारीख को, मतलब 14 तारीख को आपको जाना है श्रीशाई, और वहाँ पर ओवरऑल जितने स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में जिन जिन का नाम है उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग जाएंगे उनकी वहाँ पर अटेंडेंस होगी, ठीक है, अटेंडेंस होगी। तो उसके बाद क्या होगा, कॉलेजेस वाले खुद उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जितने लोग रिपोर्ट किए हैं, रिपोर्टिंग किए हैं, उसमें से टॉप 10 स्टूडेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। और जैसे जितनी भी सीटें ना उसके अकॉर्डिंग मतलब वो बनाएंगे, जैसे 4 सीटें हैं तो टॉप 4 स्टूडेंट कौन से आए हैं यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट में है, तो उन 4 लोगों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, और वो 14 तारीख को ही दोस्तों आप लोगों को 14 तारीख को ही दोपहर 2:30 के बाद आप लोगों को एडमिशन लेना है। जो भी वहाँ पर अवेलेबल स्टूडेंट रहेंगे टॉप जितनी सीटें उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऊपर के टॉप स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों, और बाकी के रहे स्टूडेंट को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ड्रॉप लेने की तैयारी करना है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर चले जाना है। हो सकता है जैसे कोई से कॉलेजेस में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जाए, मान लीजिए कोई कॉलेज में 10 सीटें हैं और वहाँ पर 5-6 स्टूडेंट जाए, तो वहाँ पर 4 सीटें और बच जाएगी, तो उसके लिए हो सकता है आगे और एक और स्टे वैकेंसी राउंड हो जाए, बट अभी के लिए बस यही स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है, यही लास्ट होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आज मैं रात में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन के साथ वीडियो डाल दूंगा। तो जो लोग जिन्हें समझ में नहीं आए वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और मैं एक बार और यही कहना चाहूंगा, थर्ड राउंड में जिन्हें जिन्हें कॉलेज मिल जाए वो कॉलेज ले लेना, इस वैकेंसी राउंड का वेट मत करना, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है अभी, ठीक है, पूरी प्रोसेस आपको बता दी कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।